अभी मैं कोलकाता और हावड़ा के बीच में जो हुगली रिवर है वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और रिवर पोल्यूशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, ये जो है वो आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है। और इसके थोड़ा सा आगे जो है, यहाँ पे हल्का सा ये वाला जो दिखाई दे रहा है, मेरी कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो है वो एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है जो कि शिप बनाने का काम करती है। और ये जो है वो गंगा का पानी है। तो गंगा के पानी में थोड़े मोड़े पॉल्यूटेंट्स तो आपको दिख रहे होंगे, पॉल्यूटेंट्स मतलब कि कचरा, और उतना ज़्यादा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन क्या गंगा इतना साफ़ है या हुगली की पानी इतनी साफ़ है? नहीं, हुगली की पानी इतनी साफ़ नहीं है। और इसका प्रमाण है कि जब आप इसकी TDS निकालोगे, जब आप इसकी BOD COD निकालोगे, जब इसमें जो है वो आप क्लोराइड कंटेंट निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगी कि जो इसकी परमिसिबल लिमिट हो सकती है वो एक इनलैंड वाटर बॉडीज़ की या फिर सरफेस वाटर की, उससे बहुत ज़्यादा आती है। तो रिवर पॉल्यूशन इस हद तक बढ़ चुका है। अब ये आम आदमी को कैसे अफेक्ट करता है? तो देखो, इससे जो मछली है, मछलियाँ जो इसमें होंगी या फिर ये जब आगे जाके सागर में मिल जाएंगी, तो इसी पानी में तो मछली भी पल रही है, बढ़ रही है, तो हम उसी मछली को खाएंगे। और वो ऑब्वियस ही बात है, जब ये नदी अच्छी नहीं है तो फिर इसका जो मछली खा रहे हैं उसकी भी अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसमें भी कंटामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स उसमें भी रहेंगे। तो उसको खाने के बाद एक तो जो नॉन वेजिटेरियन खाएंगे उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और जो पानी इसके आस पड़ोस में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होके जाएगी और उसी पानी को हम लोग कंज्यूम करेंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो वो पानी भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, और उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी हमारी बढ़ेगी। और जो एक्वेटिक लाइफ है इसमें, जो इसमें लाइफ सर्वाइव करती है, उन सभी लाइफ के लिए भी जो है वो ये ज़्यादा खतरा पैदा करता है, क्योंकि जब DO घट जाता है, मीन्स डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जब घट जाती है, तो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि एक सर्टेन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन तक जो है वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, और उसके बाद जो है वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करती है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए अराउंड 3 to 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो DO होना चाहिए, लेकिन अगर उतना DO नहीं है तो फिर जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी मछली। तो ये सभी इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगी साइड में जो है वो शिप्स या जहाज ये सभी है, तो कहीं ना कहीं इनसे भी पॉल्यूशन निकलता है। और मेजर पॉल्यूटेंट्स का कारण जो है वो ये कोल बेस्ड थर्मल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर साइड में जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है वो सभी ही मेन जो है वो वेस्ट वाटर का इसका सोर्स है। और जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, और सीधा जो है ये नदी में डाल दिया जाता है। और उसका कारण है कि ये जो है वो आपको रिवर पॉल्यूशन ये सभी को देखने का मिलेगा। तो ये सभी जो है वो एक छोटी सी बात जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग रिवर पॉल्यूशन ऑफ हुगली और हाउ इट विल इम्पैक्ट द जनरल लाइफ ऑफ पीपल, एनिमल, एनवायरनमेंट। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।